हेलो स्टूडेंट्स, हम लोग विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के बारे में पढ़ रहे थे। इससे पूर्व हम लोगों ने यूजीसी के संगठन और उसकी जो संलग्न संस्थाएं हैं उनके बारे में पढ़ लिया है, उसके संगठन के बारे में पढ़ लिया है, उसका विकास किस ढंग से हुआ इसके बारे में पढ़ लिया है। आज हम यूजीसी के कार्य और उसकी भूमिका के बारे में देखते हैं। तो यूजीसी के जो सृजनकारी अधिनियम है, जिसको निर्माण जो है अधिनियम 1956 में था और उसके बाद में उसको फिर क्या है 1974 में क्या है उसको क्या है संशोधित किया गया 72 में, और ये जो अधिनियम है उसके तीसरे जो चैप्टर में आयोग के क्या है कार्यों का उल्लेख किया गया है। अधिनियम के चैप्टर 3 की धारा जो 12 है उसमें क्या है आयोग के सामान्य कार्यों का उल्लेख या कर्तव्यों का उल्लेख करते हुए कहा गया है कि आयोग देश में क्या है विश्वविद्यालय शिक्षा के उन्नयन और समन्वय के लिए जो भी कदम उचित समझे वो उठा सकेगा। इसके साथ ही आयोग देश में विश्वविद्यालय शिक्षा परीक्षा अनुसंधान के सामान्य स्तर को बनाए रखने के लिए भी क्या है आवश्यक कार्रवाई क्या है कर सकेगा। साथ ही अधिनियम की धारा जो 12 हम जिसके बारे में पढ़ रहे हैं उसमें कहा गया है कि ये जो उद्देश्य है इसका उसके संबंध में क्या है कुछ उसके कार्य बताए गए हैं जिससे ये क्या है इस उद्देश्यों की क्या पूर्ति कर सकता है। पहला है विश्वविद्यालयों की वित्तीय आवश्यकताओं के विषय में क्या है ये जांच पड़ताल कर सकता है कि किन किन वित्तीय आवश्यकताओं की यूनिवर्सिटी को ज़रूरत है, फाइनेंशियल जो रिक्वायरमेंट है उसकी क्या है ये जाँच करता है। दूसरा है अपने कोर्स में जो फंड है यूजीसी का उसमें से उन यूनिवर्सिटी को बनाए रखने एवं विकास के लिए अनुदान क्या है दे सकता है जिनकी स्थापना केंद्र सरकार के अधिनियम के अंतर्गत की गई है, यानी जो केंद्र सरकार के अधिनियमों से स्थापित यूनिवर्सिटी है उनके विकास के लिए उनके मेंटेनेंस के लिए क्या है ये अनुदान देता है। कोर्स में से यूजीसी केंद्रीय विश्वविद्यालयों के अलावा अन्य विश्वविद्यालयों को उनके विकास के लिए जो अनुदान उचित और आवश्यक समझे अथवा इन विश्वविद्यालयों को इन्हीं विशिष्ट कार्यक्रमों को बनाए रखने और उनका विकास करने अथवा दोनों उद्देश्यों के लिए भी क्या है ये अनुदान दे सकता है, यानी वित्तीय आवश्यकताएँ सभी यूनिवर्सिटी की, सेंट्रल यूनिवर्सिटी के अनुदान, सेंट्रल के अलावा जो अन्य यूनिवर्सिटी है उनको भी क्या है सहायता या अनुदान। इसके अलावा यूजीसी कोर्स में से आयोग उन संस्थाओं को भी केंद्र सरकार द्वारा विश्वविद्यालय की तरह मान्य घोषित जो डीम्ड यूनिवर्सिटी हैं उनको भी क्या अनुदान देता है, और किसी भी यूनिवर्सिटी को शिक्षा के स्तर के संवर्धन के सुझाव दे सकता है, सुझावों की क्रियान्विति के लिए कार्य योजना प्रस्तावित कर सकता है, केंद्र या राज्य सरकार को संचित निधि से अधिनियम के अधीन संचालित यूनिवर्सिटी को सहायता देने के लिए राय दे सकता है, और किसी भी राज्य या सक्षम सत्ता को उसके द्वारा चाहे जाने पर नए विश्वविद्यालयों की स्थापना और जो यूनिवर्सिटी चल रही है उनकी गतिविधियों की विस्तार की भी क्या है वो राय दे सकता है। इसके पश्चात केंद्र सरकार या किसी भी राज्य सरकार द्वारा किसी भी विश्वविद्यालय द्वारा कोई भी प्रश्न जानकारी या राय मांगी जाती है तो उससे क्या है उससे संबंधित क्या ये उत्तर देता है, और देश में यूनिवर्सिटी को उपलब्ध कराने के लिए विश्वविद्यालय शिक्षा से संबंधित देश विदेश से कोई भी ऐसे आंकड़े एकत्रित कर सकता है जो क्या है वो उचित समझे, किसी भी यूनिवर्सिटी उसकी वित्तीय स्थिति, शैक्षिक स्थिति, ज्ञान की सभी शाखाओं से संबंधित अध्यापन स्तर एवं परीक्षा से संबंधित कोई भी जानकारी क्या है वो मांग सकता है। कोई भी अन्य कार्य जो आयोग देश में उच्च शिक्षा के उन्नयन की दिशा में आवश्यक समझे वो क्या है ये कर सकता है। तो इस प्रकार से क्या है यूजीसी के कुछ कार्य हैं। अब हम देखते हैं विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की भूमिका, रोल ऑफ यूजीसी। पहला है इसका उच्च शिक्षा के मानक निर्धारण और उसकी समन्वयकारी भूमिका है। यूजीसी की पहली भूमिका यही है कि देश में उच्च शिक्षा के मानक अथवा स्तर के निर्धारण और उसके समन्वय से संबंधित है, और इसके लिए क्या है यूजीसी क्या करता है कि जो यूनिवर्सिटी है उनके पाठ्यक्रमों की पुनर्संरचना करने हेतु क्या है सुझाव देता रहता है, और इसके लिए विशेषज्ञों का पैनल तैयार करता है, उच्च और विशिष्ट अध्ययन केंद्र स्थापित करता है, चयनित विभागों में विशेष सहायता के कार्यक्रम चलाता है, अनुसंधान के प्रोत्साहन के लिए सहायता देता है, परीक्षा प्रणाली में सुधार प्रस्तावित करता है,
भारतीय विशेषज्ञों से विश्वविद्यालय स्तर की पुस्तकें तैयार करवाता है तथा कॉलेज और विश्वविद्यालय में पुस्तकालय सुविधा का क्या है विकास करता है। तो ये इस प्रकार से क्या है, उच्च शिक्षा के मानक निर्धारण करता है और समन्वयकारी की भूमिका निभाता है। दूसरा है विश्वविद्यालय के विकास में इसकी क्या भूमिका देखते हैं। UGC देश में उच्च शिक्षा के लिए कार्यरत सभी यूनिवर्सिटी में साइंस है, आर्ट है, सोशल साइंस है, एनवायरमेंटल स्टडी है, इंजीनियरिंग है, टेक्नोलॉजी है, उसके विकास के लिए अनुदान और सहायता देता है। आयोग का यह प्रयास रहता है कि यूनिवर्सिटी को इन क्षेत्रों में उनके द्वारा अनुभव की जा रही समस्याओं के निवारण में हर संभव सहायता दी जाए। देश के सभी सेंट्रल यूनिवर्सिटी, स्टेट यूनिवर्सिटी और डीम्ड यूनिवर्सिटी को क्या है, आयोग सहायता देता है। इसके बाद देखते हैं महाविद्यालयों के विकास में भूमिका। आयोग देश में उच्च शिक्षा के विकास की दिशा में कार्यरत महाविद्यालयों के विकास और संवर्धन के लिए भी विशेष सहायता, स्नातक और स्नातकोत्तर अध्ययन के विकास के लिए सहायता और स्वायत्तशासी महाविद्यालयों के विकास हेतु सहायता क्या है उपलब्ध कराता है। आयोग न केवल विश्वविद्यालयों के विकास में रुचि लेता है बल्कि देश भर में इन विश्वविद्यालयों के अंतर्गत हुए समस्त राजकीय महाविद्यालयों द्वारा उच्च शिक्षा के उन्नयन हेतु किए जा रहे प्रयत्नों को अपनी ओर से गति प्रदान करने का भी प्रयास करता है। भवन निर्माण व पुस्तकालयों के विकास में आयोग विशेष सहायता देता है। इसके पश्चात है शिक्षकों के विकास में भूमिका इसकी, रोल ऑफ फैकल्टी इम्प्रूवमेंट। अनुदान जो है आयोग UGC जो है देश भर के यूनिवर्सिटी और कॉलेज में पढ़ाने वाले शिक्षकों के शैक्षणिक विकास के लिए संगोष्ठी, परिचर्चा, ग्रीष्मकालीन वर्कशॉप व पाठ्यक्रम सम्मेलन आदि आयोजित करने के लिए अपने निर्धारित मानदंडों के अनुसार सहायता देता है। आयोग शिक्षकों को राष्ट्रीय छात्रवृत्ति, राष्ट्रीय भाषणमाला, राष्ट्रीय सहभागिता, शैक्षिक फेलोशिप, यात्रा अनुदान आदि भी उपलब्ध कराता है। शिक्षकों के हितों के लिए विश्वविद्यालयों में आवास गृह बनाने तथा अनुभवी और ख्याति प्राप्त सेवानिवृत्त शिक्षकों के अनुभव का लाभ लेने के लिए भी यह योजनाएं बनाता है। इन समस्त कार्यक्रमों के माध्यम से आयोग का यह प्रयत्न होता है कि विश्वविद्यालयों तथा महाविद्यालयों में काम करने वाले शिक्षकों के शैक्षणिक स्तर को इतना ऊँचा उठाया जाए कि विज्ञान और अनुसंधान के क्षेत्र में राष्ट्र को विकसित राष्ट्रों की श्रेणी में लाया जा सके। इस हेतु शिक्षकों को लघु व वृहत परियोजनाओं के लिए भी क्या है, आयोग वित्तीय सहायता उपलब्ध करवाता है। इसके बाद में आता है विद्यार्थियों के हित में भूमिका। UGC उच्च शिक्षा प्राप्त करे विद्यार्थियों के लिए भी अनेक हितकारी योजनाएं लागू करता है। उच्च शिक्षा में अध्ययनरत विद्यार्थियों के लिए शोध छात्रवृत्तियाँ, फेलोशिप आदि अध्ययन के लिए भी क्षेत्रों यथा कला विज्ञान, सामाजिक विज्ञान समूह के लिए प्रयत्न करता है। आयोग विकलांग विद्यार्थियों की सुविधा के लिए कैंटीन के निर्माण और विकास के लिए भी सहायता देता है। छात्र छात्राओं के छात्रावासों के निर्माण और खेलकूद स्थलों के विकास हेतु आयोग पूर्ण सहायता प्रदान करता है। इसके पश्चात विश्वविद्यालय तुल्य घोषित संस्थाओं के विकास में भूमिका। UGC न केवल विश्वविद्यालयों और महाविद्यालयों बल्कि उन संस्थाओं के संचालन और विकास के लिए भी अनुदान देता है जिन्हें सरकार और आयोग ने UGC तुल्य घोषित किया है। जैसे राजस्थान में वनस्थली विद्यापीठ है, पिलाणी का विज्ञान और प्रौद्योगिकी संस्थान है, मानसरोवर जयपुर का में स्थित IIS यूनिवर्सिटी, इस तरह की संस्थाएं हैं जिन्हें UGC ने क्या है अधिनियम की धारा 3 के अंतर्गत क्या है विश्वविद्यालय तुल्य यानी डीम्ड यूनिवर्सिटी घोषित कर रखा है। और UGC इनके विकास में वैसे ही भूमिका निभाता है जैसे अन्य यूनिवर्सिटी और कॉलेज के विकास में निभाता है। इसके पश्चात आता है सांस्कृतिक आदान प्रदान व अंतर्राष्ट्रीय सहयोग। UGC अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्रों में उच्च शिक्षा से संबंधित ज्ञान के आदान प्रदान के लिए विभिन्न देशों के मध्य संयुक्त संगोष्ठियाँ, यात्राएँ, फेलोशिप आदि के आयोजनों में अपनी सहायता प्रदान करता है। अंतर्राष्ट्रीय संगठन यूनेस्को से भी इस उद्देश्य की पूर्ति में आयोग निरंतर संपर्क रखता है। आयोग द्वारा जर्मनी, कनाडा, फिनलैंड, हंगरी, केन्या, रूस, जापान, फ्रांस आदि देशों में क्या है सांस्कृतिक सहयोग लिया दिया जा रहा है। इसके पश्चात पत्राचार पाठ्यक्रम एवं प्रौढ़ तथा सतत शिक्षा के विकास में भी इसकी भूमिका है। UGC देश में उन विद्यार्थियों के हित के लिए इग्नू के दिशा निर्देश, इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी जो है के अनुसार पत्राचार पाठ्यक्रम चलाने के लिए सहायता देता है जो यूनिवर्सिटी में अपनी शिक्षा निरंतर जारी नहीं रख पाते। इसके अलावा प्रौढ़ शिक्षा तथा सतत शिक्षा के
विभिन्न कार्यक्रमों को भी आयोग उदार मन से प्रोत्साहित व सहायता प्रदान करता है। अनुसूचित जातियों जनजातियों की शिक्षा के विकास में भी यह सहयोग देता है। UGC देश भर में SC ST तथा अल्पसंख्यक वर्ग के विद्यार्थियों को शिक्षा जारी रखने के लिए विभिन्न प्रकार की सुविधाएं उपलब्ध कराता है। इन वर्गों के छात्र छात्राओं के लिए राजीव गांधी फेलोशिप भी क्या है दी जा रही है। इसके पश्चात आता है महिलाओं को उच्च शिक्षा हेतु प्रोत्साहन। UGC देश में महिलाओं की शिक्षा के उन्नयन में विशेष रुचि लेता है। देश की आबादी के आधे हिस्से के विकास में आयोग अपनी भूमिका अच्छी तरह निभाता है और महिला शिक्षा के लिए सभी प्रकार की सुविधाएं और सहायता देश भर के सभी विश्वविद्यालयों को उपलब्ध कराता है। विश्वविद्यालयों में महाविद्यालय में महिला छात्रावासों के निर्माण के लिए सहायता उपलब्ध कराई जाती है। इसके पश्चात आता है NET JRF परीक्षा का निर्देशन नियंत्रण। यूनिवर्सिटी और महाविद्यालय के विभिन्न विषयों के व्याख्याताओं की पात्रता और अनुसंधान के कार्यों के जो उत्सुक अभ्यर्थियों को आर्थिक सहायता प्रदान करने के लिए आयोग ने 1989-90 से राष्ट्रीय स्तर पर किया है नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट जिसको नेट कहते हैं और JRF जूनियर रिसर्च फेलोशिप परीक्षाओं का आयोजन करना शुरू किया है। यह परीक्षा साल में क्या है 2 बार जून और दिसंबर में करीब 83 विषयों में आयोजित की जाती रही है और 2015 से भारत सरकार के निर्देश के अनुसार इस परीक्षा का आयोजन अब क्या है CBSE द्वारा किया जाता है। परीक्षा के पाठ्यक्रम निर्धारण और सफल प्रत्याशियों को प्रमाण पत्र जो है UGC के नेट डिवीजन द्वारा जारी किए जाते हैं। इसके बाद आता है शिक्षकों के वेतनमानों और अन्य सेवा शर्तों का निर्धारण। विश्वविद्यालय और महाविद्यालयों में कार्यरत शिक्षकों के वेतनमान पदोन्नति सेवा शर्तें सुविधाएँ और मानदंडों के निर्धारण में आयोग अपना परामर्श केंद्र सरकार को प्रदान करता है। शिक्षकों के वेतनमान में सुधार व संशोधन हेतु गठित होने वाले वेतन आयोग को प्रशासनिक सहायता UGC ही प्रदान करता है। इसी प्रकार उस शिक्षा की गुणवत्ता मानक और आचार संहिता के क्रम में भी क्या है आयोग की भूमिका निर्विवाद रही है। फर्जी शिक्षण संस्थाएं हैं उन पर भी नियंत्रण UGC करता है। देश भर में उच्च शिक्षा की सर्वसुलभता व जन आधिक्य के कारण बेरोजगारों की संख्या बढ़ रही है। फलस्वरूप अनेक राज्यों में फर्जी और जाली शिक्षण संस्थाओं की भरमार हो गई है और ऐसी विकट परिस्थिति में बेरोजगारों को धोखाधड़ी से बचाने के लिए UGC ने इन फर्जी शिक्षण संस्थाओं के विरुद्ध कार्रवाई करने की शुरुआत की है। इस क्रम में आयोग में पृथक से एक प्रकोष्ठ बना हुआ है तथा भविष्य में UGC का जो एक्ट 1956 में है उसमें संशोधन कर आयोग को और अधिक अधिकार दिए जाने की कार्रवाई जारी है ताकि फर्जी संस्थाओं पर कठोरता से अंकुश लगाया जा सके। इसके पश्चात आता है शिक्षण सामग्री का एकत्रण और निर्माण व प्रसारण। UGC दूरदर्शन के माध्यम से सुदूर क्षेत्रों के विद्यार्थियों को देशव्यापी कार्यक्रम के माध्यम से घर बैठे शिक्षा उपलब्ध करवाता है। आयोग द्वारा विभिन्न विषयों और पाठ्यक्रमों पर आधारित सर्वदृश्य शिक्षण कार्यक्रमों का प्रतिदिन प्रसारण किया जाता है। इसके लिए आयोग विभिन्न यूनिवर्सिटियों में स्थित शैक्षिक जनसंचार अनुसंधान EMRC इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय और दूरदर्शन से सहयोग प्राप्त करता है और उस शिक्षा से संबंधित सारे आंकड़े सूचनाएं सुविधाओं की जानकारी एकत्रीकरण एवं आयोग द्वारा सहायता प्राप्त कर रहे महाविद्यालयों और विश्वविद्यालयों पर नियंत्रण स्थापित करना आयोग की क्या है प्रमुख जिम्मेदारी है। अंतिम भूमिका है अनुसंधान कार्यक्रमों का क्रियान्वयन। उच्च शिक्षा और अन्य तकनीकी विषयों की व्यावसायिक शिक्षा के क्षेत्र में निरंतर शोध कार्य को बढ़ावा देना आयोग की मुख्य नीति है। इसके लिए आयोग द्वारा अति चालकता कार्यक्रम वायुमंडलीय विज्ञान उदयमान क्षेत्र जैसे कंप्यूटर और नवाचारों के क्रम में अनेक शोध परियोजनाएं जारी हैं। शिक्षकों तथा विद्यार्थियों की शोध परियोजनाओं का भी क्या आयोग अनुदान देता है। तो इस प्रकार से ये क्या है UGC के कार्य और भूमिका के बारे में हम लोगों ने पढ़ा।